सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट आपका अमोल, फिर से एक बार स्वागत है एक नए व्लॉग में। गाइस फिलहाल जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है काला घोड़ा, और आज अपन काला घोड़ा को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले। एक्चुअली ये है लास्ट दिन, बट खैर टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए, अपन लास्ट दिन पे आए, बट पूरा अपन जाके एक्सप्लोर करने वाले। काला घोड़ा फेस्टिवल ये टाइम पे थोड़ा जल्दी हो गया है, एक्चुअली वो होता है फरवरी के टाइम पे, बट ये टाइम पे जनवरी में लोग ने किया, आई डोंट नो व्हाई, बट यार बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि लास्ट दिन है इस वजह से। बट अंदर बहुत सारे आर्ट, ऑब्वियसली काला घोड़ा फेस्टिवल है, आर्ट रिलेटेड ही होगा, खाने की पीने की चीज़ें भी है, अगर आपको कुछ परचेज भी करना है वो भी सारी चीज़ अंदर देखने मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अपने चैनल पे नए हो, मेरे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलो गाइस फिर इस वीडियो को चालू करते फटाफट और करते एक्सप्लोर काला घोड़ा फेस्टिवल। तो सबसे पहले यार स्कैनिंग ज़रूरी है, अपन एक अपना छोटा सा कैमरा रख लाया, तो पहले सबसे पहले होगा स्कैनिंग। यहाँ पे फ्रिस्टिंग वगैरह अभी चालू है, क्या बात है, बहुत ज़्यादा क्राउड है ना अंकल अंदर, आज बहुत क्राउड है। तो ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये है इसका मेन एंट्रेंस काला घोड़ा फेस्टिवल, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा बॉटल का बनाया हुआ है। यहाँ पे मिल्टन के स्टील वाले बॉटल्स है, यहाँ पे वेस्ट वाले पुराने वाले बॉटल्स है, जैसे आप देख पा रहे हो, और क्या ही बात है, मतलब काफ़ी ख़तरनाक लगने वाला है। और चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स है गाइस, आपको कुछ परचेज करना है, पूरा देखो पूरा आर्टिस्ट के लिए बनाया हुआ है ये बेसिकली महाराष्ट्र का परथा करके है, जैसे मेंशन किया हुआ है। और इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड परचेज चेकआउट, क्या क्या यहाँ पर मिल सकता है। फिलहाल अपन शॉपिंग करने के लिए तो आए ही नहीं है, बस अपन फेस्टिवल देखने और इन्जॉय करने हैं। और गाइस जैसे लिखा है सुपर हीरोज, और राइटली सेड कि ये है अपने सुपर हीरोज। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो कि ये पूरा काला घोड़ा का अभी ये पूरा मैप है, जिसमें पूरा सब पूरा देखा, देखो यहाँ पे भी पूरा क्या क्या है इसके अंदर में, पूरा मैप बनाया हुआ है, जो जो चीज़ अंदर है, विजुअल आर्ट्स है, लिटरेचर है, वर्कशॉप, डांस, स्ट्रीट, सब कुछ पूरा यहाँ पे मेंशन है, तो आप पॉज करके देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जो अपने को दिख रहा है स्पेनिश ओडिसी, यहाँ पे आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हो। बट क्या ही बात है यार, गजब है यार, मतलब वो क्या ही बना दे यार आर्ट बेसिकली एट इज बेस्ट। तो सबसे पहले यही है घोड़े के बाजू में एग्जैक्ट साइड में। सो जो नेक्स्ट अपने को देखने मिला है वो ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में भी ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बात है, ब्यूटीफुल है। तो गाइस इफ यू कैन सी इज़ द नेक्स्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है वो अपने को, देखो विजुअल व्यू करके है, तो थोड़ा सा अंदर जाके लेट्स सी। ओके सो गाइस जैसे आप देख पा रहे कि ये है नेक्स्ट डांस ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे लोग भी कर रहे हैं मस्ती, सॉरी। और जैसे देख पा रहे देखो यहाँ पे पूरा डांस ऑफ एलिमेंट करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, भी अपने को देखने मिल रहा है। ये ब्यूटीफुल पंचबूटा करके इसका नाम है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्दी है ना, सो अपने को थोड़ा सा ना लेने के लिए वीडियो काफ़ी मशक्कत करने पड़ रही है, बट यहाँ थोड़ा आपके लिए डेफिनेटली हम देखेंगे। क्या बताऊँ, मतलब पूरा आर्ट से भरा हुआ है पूरा फेस्टिवल, और अंदर भी अपने को अभी जाना है, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को अपने मिल रहा है अंदर। तो यार अभी जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली ये लोग यहाँ पे इन लोग को बता रहे, बेसिकली जो अपने ब्लाइंड और डेफ होते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे ये उनके लिए आर्ट बना हुआ है। मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, इवन वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, बट येस। सो यार अभी जो नेक्स्ट आपके सामने दिखाया जा रहा है वो बेसिकली मतलब क्या ही बताओ यार, क्या ब्यूटीफुल गज़ब पूरा डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इनका जो ड्रेस है ये भी पूरा डिज़ाइनर है, बैक साइड में इसकी जो शर्ट जर्सी वगैरह दिख रही है, काफ़ी सारा पूरा डिज़ाइन करके रखा हुआ, और जैसे ये बना हुआ है फ्रिक्वेंसी यहाँ पे अगर दिख पा रहा है, सो जैसे ये बना हुआ है पूरा यहाँ पे इसकी स्टोरी बताई गई है। बताओ देखो पूरा यहाँ पे इस पर मेंशन किया हुआ है कि आई एम दैट, क्या बात है। तो गाइस जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज बेसिकली शंखनाथ, तो यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट जो है वो एक बड़ा सा मैच बॉक्स बनाया है विक्रांति नाम से, और यहाँ पे आप आओ फोटो वोटो निकालो मस्त रहेगी और एंजॉय करो। ये सब देखो रहे कि नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, अगर आप पूरा थक गए हो फेस्टिवल देख के, कुछ भूख लगी हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आके आप खाना वाना खा सकते हैं। काफ़ी सारी वेराइटीज है, मतलब वड़ा पाव है, ये क्या पाव भाजी है, उसल पाव है, पाव भाजी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है देखो। ओके उंधियो भी है, ओके। तो यार अगर आपको भूख लगी हो, थक गए हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आके आप खा सकते हैं। गाइस जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा मेंशन हुआ है ये बॉक्स ऑफ बॉन्डे करके,
यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो, बट क्या ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है यार, ये भी खतरनाक है देखो। वेल सो अभी जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि बेसिकली ये सच में सही बताया कि अपन बर्ड्स वगैरह को रखते हैं अंदर और अपन रहते हैं बाहर, बट यहाँ पे पूरा उल्टा है, अपन लोग को रखा है अंदर और बर्ड्स आर फ्री। दैट्स इट। आज एक्चुअली लास्ट दिन होने की वजह से ना प्रॉपर शूट करने को अपने को नहीं मिल रहा है, बट नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली आएंगे एक दो दिन पहले ही और अच्छे से शूट करेंगे। तो गाइस जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि ये बेसिकली यहाँ पे टैक्सी है, लास्ट टाइम पे यहाँ पे इस पर कीबोर्ड का वर्क किया था और अभी पूरा ग्रीनरी है और केमिकल फैक्ट्री है, जिस वजह से पूरा अपना सिटी, अपना स्टेट, अपना कंट्री पूरा पॉपुलेटेड हो गया है। इस वजह से यहाँ पे इसका पूरा दिखाया गया है। नाइक्स जो आप देख पा रहे हो कि दिस इज़ मेड बाई इमेजिका और देखो क्या ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। ये तो मैं खुद सोच में पड़ गया हूँ कि इसको एक्चुअल में क्या बोला जाए, क्या ही सच बताओ ब्यूटीफुल है यार, बट बस बस के अपने को थोड़ा सा यहाँ पे निकालना पड़ रहा है वीडियो फ्रिक्वेंसी। और क्या ही बात है, खतरनाक जैसा है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे देखो रिवॉल्यूशन ऑफ कंजम्पशन, पॉज करो देख लो, बट क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार ये भी फ्यूचर। यार जो आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल है, पूरा यहाँ पे फिकेंसी मैकेनिकली बनाया हुआ है, देखो कैसा दिख रहा है ना। वेल सर गाइज अभी आपको कुछ दिख रहा है यार, ये बचपन में अपन ने भी बनाया था ऐसा कुछ रॉकेट पेपर का, और ये इस पर अब सही पेपर का रॉकेट बनाया और यहाँ से बेसिकली उड़ जाएगा पूरा सही। तो यार ये देखो ये झाड़ का भी लोगों ने अच्छे से यूज़ किया हुआ है, इस पर क्या लटका है पता नहीं है, बट कुछ तो यहाँ पे भी लटके हुए हैं देखो, इफ यू कैन सी। वीडियो में पता नहीं कितना क्लियरली दिख रहा है आपको, बट अभी मैं नेकेड ऐसे देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो वाइट कलर के यहाँ पे आधे आधे कुछ चीज़ें लटकी हुई दिख रही है आपको। ये है बेसिकली फ्लेमिंगोस और यहाँ पे जो अपन वेस्ट डालते हैं सी में वो रिटर्न आता है अपने पास में, और एग्जैक्टली यही हो रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ में, जितना अपन गंदा करेंगे उतना वो फिर से अपने पास में भेजेगा, और उसका एक राइट एग्जाम्पल सेट किया हुआ है यहाँ पे। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये बनाया हुआ है बेसिकली प्लास्टिक बॉटल से रिसाइकल किया हुआ पूरा अक्टूबर से आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा, ये प्रोजेक्ट मेड बाय मुंबई ऑर्गेनाइजेशन है उसने बनाया, और क्या ये देखो पूरे प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, टूटे हुए बॉटल्स भी आप देख पा रहे हो। तो अगर आप थक गए हो पूरा फेस्टिवल देख के तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से, बैठने का भी यहाँ पे पूरा प्रोविजन बनाया लगा है, और लास्ट तक यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक गेट है वहाँ तक है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस है और अपने को कवर करना है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर देखने के लिए, और लिटरली हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अभी तक फिलहाल देखी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है आज बिकॉज ये लास्ट डे है संडे, इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे निकले हुए, पर ठीक है अभी फिलहाल के लिए अभी और बहुत सारी चीज़ें अपने को देखनी है। खाने पीने की भी बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, आपको कुछ बाय परचेस करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं अंदर। वैसे तो फिलहाल ना मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी देखने मिली है, विच इज़ दिस, आई डोंट नो व्हाट द नेम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, बट क्या है ब्यूटीफुल्ली बनाया हुआ है, और इसके पीछे भी कुछ तो होगा उस वजह से बनाया हुआ है। लिटरली देखो यहाँ पे पूरा एफिकेंसी अच्छे से बनाया है ना, और लास्ट दिन की वजह से थोड़ा सा ये हो चुका है ख़राब फिलहाल के लिए, क्योंकि ये लास्ट दिन, बट यार दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो अभी ये जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि ये भी कुछ बनाया हुआ है अपने अर्थ के रिलेटेड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरे क्लाउड्स है और यहाँ पे ऐसा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा देखो इफिकेंसी पूरा स्क्रीन लगाया हुआ है, और अपने जो पुराना मुंबई है उसके बारे में पिक्चर्स है, हिस्ट्री है इफिकेंसी। तो वेल गाइस सब जो नेक्स्ट देख पा रहे हो है ये काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया हुआ है, और पीछे जैसे देख पा रहे हैं कि इसको नेटूरा करके बोलते हैं, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है इफ यू कैन पॉज और आप देख सकते हो, बट स्ट्रक्चर तो क्या ही गजब है, ब्यूटीफुल जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्या बात है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना ये पूरा मुझे लगता है कि लाइटिंग के बाद में काफ़ी अच्छा दिखेगा, बट फिलहाल के लिए भी ये कुछ अलग बनाया हुआ है, और अपने को इतना आर्ट के बारे में नॉलेज है नहीं,
सो आई कांट इवन टेल यू बट हाँ कुछ तो अच्छे से बनाया हुआ है. वेल ओके सो जो आप नेक्स्ट अभी देख पा रहे हो यार ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है यार. ये पूरा लकड़े का बनाया हुआ है, छोटी छोटी सी लकड़े की चिड़िया है और यहाँ पर देखो पूरा स्ट्रक्चर भी बहुत ही गजब. और आज जैसा मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि संडे लास्ट दिन है और सब लोग यहाँ पे घुस घुस के एकदम फुल फोटो वोटो निकाल रहे हैं यार. और अपने को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है वीडियो शूट करने के बाद, कोई नहीं अपन ने ऑलमोस्ट अभी अच्छा खासा शूट कर लिया. ये हमेशा हर एक फेस्टिवल में मैं देखता हूँ उल्टी छतरियाँ, कलरफुल छतरियाँ. और यहाँ पे भी यार कुछ तो आर्टिफिशियल बना हुआ है ये देखो. जैसे आप नेक्स्ट देख पा रहे हो ये बेसिकली है नेचुरल ड्राई करके लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी. वेल्स ओके अभी आप देख पा रहे हो कि ये पूरा वेज बॉटल से बनाया हुआ फिश का मुंह यहाँ पे. और ये देखो पूरा वेज बॉटल से रिसाइकल, बेसिकली बॉटल रिसाइकल करके देखो क्या ही बात है. पूरा एरिया यहाँ पे बनाया गया है शॉपिंग के लिए. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी. जैसे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी है यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं. कपड़े शॉपिंग है यहाँ पे पूरा यहाँ पे हैंडमेड आपको बैग वगैरह पे मिल जाएगी. तो यार काफ़ी देखो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि दिस इज़ बेसिकली आपको प्रॉपर परफ्यूम है. देखो परफ्यूम का स्टॉल है, परफ्यूम वगैरह का स्टॉल है. यहाँ पे अगर किचन वेयर चाहिए तो किचन वेयर भी मिल सकता है. तो पूरा यहाँ पे देखो ये बेसिकली लास्ट एंड है अपने ये वाले ब्लॉग का जैसे आप देख पा रहे हो. तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉल मुझे दिखा. दिस इज़ बेसिकली हैंड पेंटेड चीज़ें यहाँ पे है. देखो पूरा इफ यू कैन सी ये वाले स्टॉल पे आपको हैंड पेंटेड चीज़ें मिल जाएंगी. सो गाइस फाइनली अपना काला घोड़ा का फेस्टिवल एक्सप्लोर करके हो चुका है. बहुत ज़्यादा टाइम गया और स्टार्टिंग में जैसा मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था क्योंकि आज था लास्ट दिन और संडे था. तो गाइज़ बहुत सारी चीज़ें थी अंदर देखने के लिए. जैसे मैंने वीडियो में कोशिश की है डालने की कैसे कैसे करके मैंने वीडियो शूट किया है. बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड था जगह बट ये सब ने पूरा एक्सप्लोर किया है. वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डाली है वीडियो में, आपने देखा रहेगा पूरा वीडियो अगर अपने प्रॉपरली. सो मैंने बहुत सारे अंदर स्ट्रक्चर्स बने थे आर्ट रिलेटेड और काफ़ी सही था. तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा थक गया, मतलब लिटरली हम लोग 2 घंटे से अंदर थे और बहुत सारी चीज़ें अपन अंदर देखी एक्सप्लोर किए. तो गाइज यस अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा, मैंने कोशिश की कि जितना हो सके अपन काला घोड़ा फेस्टिवल दिखाने के लिए. नेक्स्ट टाइम अपन जल्दी आएंगे, स्टार्टिंग के 1-2 दिन में आके एक्सप्लोर करेंगे तब जाके अपने को प्रॉपर देखने मिलेगा और वीडियो शूट करने में मिलेगा. फिर सो गाइज बहुत सारे अंदर स्टॉल्स भी है अगर आपको कुछ खरीदना वगैरह भी हो. आर्ट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं, पेंटिंग वगैरह थी मैंने थोड़े से डाला हुआ शॉट्स. तो अगर आपको अंदर शॉपिंग वगैरह करना है तो उसके भी पूरी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे अंदर स्टॉल्स है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, मैंने काफ़ी कोशिश की है अच्छे से वीडियो निकालने के लिए. अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा, कंटेंट अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. और मेरे चैनल पर आप नए हो और आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए. चलो फिर गाइस मिलते हैं ऐसे अच्छे ब्लॉग में. टिल देन साइनिंग ऑफ, जय हिंद.